What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 3rd September 2020 थर्सडे है, सुबह के 8:42 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है। निफ्टी इंडेक्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। हालांकि जो मंडे का फॉल आया था उसके बाद बुल्स काफी कॉशियस हो गए, एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड करता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 2nd September आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ही आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,519 और ब्रेक डाउन लेवल बन रहा था 11,414। ये 5 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ये दो रेंज के बीच में ये ओपन हुआ और ऊपर जाने की जब कोशिश कर रहा था तो एग्जैक्ट ब्रेकआउट लेवल जो हमने मार्क किया था इसी के पास इसने रेजिस्टेंस फेस किया और काफी देर तक एक साइडवेज पैटर्न में निफ्टी इंडेक्स ट्रेड कर रहा था, ट्रेंडलेस मार्केट देखने को मिल रहा था। और जैसे ही मार्केट आज खत्म होने को आ रहे थे ये फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ जब मूव हुआ तो यहाँ पर ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 11,540 ये यहाँ पर अचीव हुआ और इसी के पास ये आकर क्लोज हुआ। तो काफी एक्यूरेट कल भी लेवल काफी साबित हुए और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 10 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 7,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं क्विकली। कल भी यूएस मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी, नाज़दा करीब 116 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी हरे निशान में कल बंद हुए। एशियाई बाजार आज जब खुले तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की सी बढ़त यहाँ पर इस समय दिखा रहा है। जापानीज इंडेक्स करीब 300 पॉइंट के बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर भी देखे तो हल्की सी यहाँ पर बढ़त देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से अभी फिलहाल एक मिला जुला कारोबार इस समय देखने को मिल रहा है। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर डेली चार्ट से शुरू करेंगे। डेली चार्ट को अगर हम देखें तो जो ये फॉल आया है मंडे का, ये जो बियरिश कैंडल बना ये एग्जैक्ट 50% का है, जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा था इसी के पास इसने सपोर्ट टेस्ट करके एक रिकवरी देखने की कोशिश यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये जो दोजी कैंडल बना था ट्यूसडे का, उसके बाद इसका जो हाई और लो का रेंज है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है दोजी का। कल भी इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ है, यानी प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के बीच में ये ट्रेड हो रहा था। तो अभी ये दोजी कैंडल का ये जो हाई और लो है ये थोड़ा सा हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे सकता है। नीचे सपोर्ट 20 EMA का है जो कि अराउंड अभी 11,372 के पास है, ठीक है। तो ये मेजर सपोर्ट का काम कर सकते हैं और ऊपर जाने के लिए जब तक ये बेयरिश कैंडल को ब्रेक ना करे तब तक यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट्स बनाना काफी रिस्की साबित हो सकता है। तो फिलहाल ये डेली चार्ट का सीनारियो। 60 मिनट के चार्ट में चलते हैं, इंट्राडे लेवल्स को क्विकली आइडेंटिफाई करेंगे। कल अगर यहाँ पर देखे आर्ली चार्ट को, अगर मैं इसे लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एक डबल बॉटम टाइप का एक फॉर्मेशन यहाँ पर बन रहा है और उसके नेक लाइन का भी इसने कल ब्रेकआउट दे दिया था। तो इसका जो हाइट होता है, ये जो बॉटम और नेक लाइन का हाइट का रेंज जो होता है वही ऊपर यहाँ पर एज अ टारगेट करके यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम बनने के बाद इसका टारगेट भी यहाँ पर देखे तो अचीव हो गया। लेकिन जैसे डबल बॉटम फॉर्मेशन बना तो एक बुलिश सिनेरियो सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अगर मार्केट टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ और भी बढ़ता है तो कल का हाई, यानी जो दोजी कैंडल बना था परसों के दिन ट्यूसडे, उसका भी हाई ऑलमोस्ट सेम है, उसी के आसपास आ रहा है। तो ये जो लेवल है जहाँ पर कुछ दिनों पहले यहाँ से गैप अप ओपन देखने को मिला था और फिर वहां से जो करेक्शन आया था वो एग्जैक्ट इसी लेवल के पास आके रुका था। तो 11,555 के ऊपर अगर निफ्टी इंडेक्स सस्टेन करते हुए दिखता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,574, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,592, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ अगर मूव करता है तो कल का जो ब्रेकडाउन लेवल होगा यही हमारा सेम आज के लिए भी ब्रेकडाउन लेवल होगा, क्योंकि मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स आ रहे हैं। 20-50 का ये मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम कर सकता है, उसके बाद
कल यहाँ पर इसने एक सपोर्ट टेस्ट किया था, अराउंड S1 का लेवल उसी के पास आ रहा है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर 100 EM है, तो इन सबको अगर ये ब्रेक करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, यानी 11,430 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,410, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 11,387, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।